नमस्कार, खबर पंजाब के अबोर से। अबोर, पंजाब सरकार द्वारा शनिवार को गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। वहीं मंडी में अभी तक मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। मार्केट कमेटी के सचिव बलजिंदर सिंह ने दावा किया कि खरीद शुरू होने से पहले सभी प्रबंध मुकम्मल कर दिए जाएंगे। धानका यूनियन के सचिव बॉबी ने बताया कि अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है और जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी भी उचित प्रबंध नहीं किया गया। शौचालयों का पूरा प्रबंध नहीं है। मंडी में आवारा पशु बटराते रहते हैं। उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव ने मंडी में पीने के पानी का प्रबंध करने व पानी के मटके जगह जगह रखने को कहा। किसान तरसेम सिंह व रमेश कुमार ने बताया कि यहाँ पीने के पानी का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है। पीने का पानी घर से वाटर कूलर में भरकर ला रहे हैं। यहाँ पर पशुओं को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी में लेबर यूनियन ने बताया कि यहाँ पर आने वाली महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जब मार्केट कमेटी सचिव बलजिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद शुरू होने से पहले पूरे प्रबंध मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो अबोर में सरकारी खरीद पड़ोसी शहरों की तुलना में करीब 10 दिन देरी से शुरू होती है, लेकिन हम पूरे प्रबंध करके रखेंगे और किसानों को कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। पीने के पानी व सफाई का पूरा प्रबंध होगा। समस्या है पानी की, लैट्रिन बाथरूम की, मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उसके कोई मसला हल हो नहीं रहा। एक पशु बहुत हैं इसके अंदर। ये मार्केट कमेटी का काम है, वैसे उनको करना चाहिए। और बैठने के लिए किसानों के लिए कुछ किसानों के लिए ये शटर हैं, वैसे शटरों के नीचे ढेरी भी होती है, किसान ही बैठते हैं, मजदूर ही बैठते हैं, सभी प्रकार के आदि बैठते हैं। यहाँ पे कोई पानी की सुविधा नहीं है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम, कोई खुले में शौचालय जाते हैं यहाँ पे सभी के सभी। जमींदार आते हैं, धूप में बैठे रहते हैं ज़्यादातर। तो और पीने के पानी की कैसे है? पानी तो बिल्कुल भी नहीं भाई, इतनी दूर से लाना पड़ता है पानी पीने के लिए, साइकिलों पे जाके, फिर कहाँ पानी पेट में जाता है। ऐसे खुले यहाँ में घूमते रहते हैं बाथरूम में। तो हमारा पशु की कितना है इसमें से? पशु भी बहुत हैं यहाँ पे खुले हैं। अगर हम इधर काम कर रहे हैं, उधर कोई पशु आके खा के चला जाता है, वो बारी बारी परेशान करते हैं, उसको भगाने जाते हैं। ठीक है। मैं इतों आए थे लोकल ही शहर, तो पिंड मेरा बलोच के रहा है। तुसी आज की लेके आए मंडी? मैं ग्वारी लेके आया जी। ते इत्थे किस तरह दी जिहड़ी हैगी सुविधा कीती गई है प्रशासन वल्लों? प्रशासन वल्लों तो तुहाडे सामने जिहो जी हैगी, जिमीदार ते तुहानूं पता है, तो मौसमी बारिश करके भी बड़े तंग ने, ते सेंटर सरकार भी कुछ नहीं दे रही। सरकार देखो थां थां जिमीदार धरने ला रहे ने, कोई मिलदा ते जिमीदारां नूं कुछ भी नहीं, की पल्ले पैण दिया जिमीदारां ने, दसो तुसीं आप खुद ही वेखण दे जी। हैं ते पीण वाला पानी दी है? पानी दी सामने तुहाडे, मैं ते कोई अजे तक इत्थे दिसिया नहीं मैनूं कोई पीण वाला पानी। पशुआं लैके पौस बहुत वारा फिर जिमीदार बेचारे, कदी इधर डंडा मार दे, कदी इधर धक्की जाते हैं, कदी किसी तुरी जाते हैं। वारा पशु ना जी, लोगों का जीवन आराम होया है। किधर किधर बंदा राखी करे, जिमीदार किधर किधर जाए। रात को चौंका च वेख लो तुसी, थां थां पशु बैठे ने, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग आवाजार ने, बहुत तंग ने इन्होंने चीज़ों तो। इन्हों सरकार कुछ ध्यान देन, तो जिमीदार तो सारा दारोमदार है। जे जिमीदार किसान खुश है तो सारा पब्लिक सारी खुश है। जे जिमीदार के पल्ले कुछ नहीं गा तो कुछ भी कुछ नहीं। ये सरकार में आप दिया पॉलिसियां देने कुछ नहीं गा, किसान के पल्ले की पाउन दियाँ ने। दिल्ली ची किन्ना चिर हो गया, थां थां पंजाब हर एक स्टेट ने धरना लाया है, किसी बंदे जिमीदार नूं कोई सहूलत नहीं। ठीक है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी बॉबी लडवाल है। मैं धानक टोला मजदूर यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा किस तरह का मुख्य प्रबंध है, क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या जी, अब सीजन चालू हुई है, अब हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को सूचित करेंगे कि भाई यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था की जाए, और लैट्रिन बाथरूम जो हमारे लेडीज़ आते हैं, यहाँ एक ही लैट्रिन बाथरूम है, और इसकी सफाई साफ़ सुथरा काम, और एक परली तरफ है उसका साफ़ सुथरा काम, और जो मंडी के बार बार हेडपम्प में जो बंद पड़े हैं इनकी से साफ़ सफाई करके, जो भी हेडपम्प बंद है जो मिस्त्री लगा के, इनको सुचारू रूप किया जाए और पानी साफ़ सुथरा दिया जाए, और शायद ये यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी का भी प्रबंध हो, जो हमारे मजदूरों को किसी तरह की कोई भी विपता ना पड़े। तो एक मैं आवारा पशु के लेकर कैसे है? आवारा पशु के जी यहाँ पर जो मार्केट कमेटी में जो मुलाजम है, उनकी पहले तो जी उनकी ड्यूटी बनती है, वो भी यहाँ पर पशुओं को अंदर ना बढ़ने दें, क्योंकि वो 40-40, 50-50 हज़ार तनख्वाह लेते हैं जो पीएन है, 35 है, 25 है,
वो अंदर बैठ जाते हैं। उन जिसकी ड्यूटी है उसका प्रशासन का काम है, जिसकी ड्यूटी है उसको अपनी ड्यूटी की जाए। अजी भैया साहब, आप नाम है और कहाँ से हो? मैं गांव पन्नी वाला से हूँ, तहसील अबोर पड़ती है जी। मैं यहाँ पे अपना अनाज लेके आया हूँ, पर यहाँ पे ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना कोई शौचालय की सुविधा है वहाँ इधर, मतलब कि ना कोई बैठने के लिए कोई चारपाई की सुविधा है, ना कोई बेंच की सुविधा है सर। बहुत परेशानी है पशुओं को लेकर, तो बहुत ज़्यादा है जी। सारा दिन पशु आते हैं, मुँह मारते हैं जी। बहुत अच्छा, अच्छी सुविधा नहीं है सर यहाँ जी। ठीक, तो मैं एक और पूछना चाहूँगा, पानी की पीने वाली की कैसे आप प्रबंध करते हो? पानी का पीने सर हम ट्रैक्टर लेके आए हैं, उसमें वाटर कूलर लेके आए हैं सर।